हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर शुभम जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर FMG। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड टू स्टडी एंड मैंने खरीदे हैं मैरो के नोट्स, वो भी एडिशन 8 के। तो आज मैं अब इस वीडियो में उनके बारे में रिव्यू करूँगा। इतना ही नहीं, मैं उन नोट्स को कंपेयर करूंगा रिवीजन नोट से और मैरो के ओल्डर ओल्डर वर्जन से। तो ये मैरो के नोट्स, ये मेरे पास है रिवीजन नोट्स और यहाँ मेरे पास है मैरो के पुराने नोट्स। सो इस वीडियो में मैं आपके सामने यही चीज़ें डिस्कस करूँगा कि कैसे मैरो ने अपने आप को अपडेट करा है इन नोट्स के ज़रिए। वो अनबॉक्सिंग वगैरह जो बेकार चीज़ें होती है ये मेरा काम नहीं है, मैं सीधे यहाँ पे आपको रिव्यू करूँगा सारी चीज़ें बता करके। ओके स्टार्ट करते हैं। लेट्स जस्ट लुक एट द नोट्स ऑफ एनाटॉमी। दिस इज़ द एडिशन 8। ब्यूटीफुल, मतलब देखने से ही, ऐसी जो एनिमेशन इन्होंने करी है देखने से ही पढ़ने का मन करता है पहली बात तो। दूसरी चीज, हाउ मैनी पेजेस, मैं एक बार देख लेता हूँ। दो पेज क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी गुड, इमेजेस आर फुल ऑफ इमेज एंड एनाटमी इज फुल ऑफ इमेजेस, हेयर यू कैन सी, है ना। तो इट्स वेरी गुड, असेंडिंग ट्रैक्ट वगैरह दे रखा है, एवरीथिंग इज गिवन। ओ माई गॉड, वेरी ब्यूटिफुल, लुक एट दीज यार, लुक एट दीज इमेजेस, वेरी ब्यूटिफुल इमेजेस, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। किताब मतलब बाहर से देखने से तो ऐसा लगता है कि हाँ यार पढ़ने का मन करे, लेकिन जब अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो फिर वापस से मन करता है किताब को बंद करें, बिकॉज दे मतलब इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, फुल्ली लोडेड ऑफ इन्फॉर्मेशन। हाउ मैनी पेजेस एनाटॉमी के, जो मैरो के एडिशन 8 के जो नोट्स हैं, हाउ मेनी पेजेस, एक बार जस्ट सो इट इज, लुक एट दिस, 393 पेजेस। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मगर इट्स गुड। अगर एनाटॉमी पढ़नी है, समझनी है, अब मेरा क्या है, आई विल ओनली गोइंग टू यू नो रीड नोट्स एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व MCQs। और अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आएगी देन आई यू नो गो टू वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो ये थे मैरो एडिशन 8 के नोट्स। अब मेरे पास क्या है, FMG के टाइम पे मैंने ये मैरो के नोट्स खरीदे थे एडिशन 5 के। तो एडिशन अभी 6.5, एडिशन 8 के नोट्स हैं मेरे पास। 6.5 के नोट्स अवेलेबल नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यों नोट्स खरीदने फालतू। ये भी अच्छे हैं मगर इसकी पेपर क्वालिटी से ज़्यादा मुझे एडिशन 8 की पेपर क्वालिटी अच्छी लगी। और एडिशन 8 में ना कंप्रेस करके दे रखा है चीज़ों को, और एडिशन 5 में ऐसा बड़ा ब्रॉडली दे रखा है। और एडिशन 5 के साथ मुझे क्या प्रॉब्लम ये थी कि उसके अंदर स्पेसेस दे रखी थी हर जगह पे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्पेसेस दे रखी थी। तो अगर यार मैं खुद रीड कर रहा हूँ, मैं वीडियोस नहीं वॉच कर रहा हूँ, तो फिर मुझे ये स्पेसेस भरनी पड़ती थी वीडियोस देख करके, ज़बरदस्ती मुझे वो वीडियो देखनी पड़ती थी चाहे मेरा मन हो चाहे नहीं हो वीडियो देखने का। तो मुझे एडिशन 5 से मुझे ये प्रॉब्लम लगी। इसके एक बार नोट्स को देख लेते हैं, कितने पन्ने के नोट्स हैं, 554 पेजेस, वेरी ज़्यादा। तो ये एनाटॉमी के नोट्स हो गए एडिशन 8 के, एडिशन 5 के। नाउ अब आते हैं छोटी कॉपी, दिस इज़ योर यू नो नोट्स ऑफ रैपिड रिवीजन, मैरो के ही रैपिड रिवीजन के नोट्स हैं, हेयर यू कैन सी। और इसमें भी इट्स ऑल्सो फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, कंप्रेस्ड, बहुत छोटा छोटा, मतलब बहुत यू नो कंपाइल जो है इन्फॉर्मेशन को करा हुआ है, बहुत छोटा छोटा में इसको कंप्रेस करा हुआ है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को, ऑब्वियसली बात है, 400 पेजेस को आप यू नो 86 पेजेस में अगर आप कंप्रेस कर रहे हो तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यू नो मिस भी हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे ही नोट्स में इन्फॉर्मेशन जो चीज़ चाहिए NEET PG को क्लियर करने के लिए वो मिसिंग है। मगर हाँ, दीज वर दी 3 नोट्स ऑफ एनाटमी। अब ये सब सारे सब्जेक्ट के लिए ये कर पाना मुश्किल है, तो नाउ लेट्स जस्ट ओनली यू नो, क्योंकि मेरे को जो कंपैरिजन करना था ना वो मैंने कर दिया। एडिशन 8 यू नो गोल्ड, मतलब इतने प्यारे नोट्स हैं, बहुत प्यारे नोट्स हैं। एडिशन
यू नो 5 ओके ओके था, डिसेंट था, एक अच्छी क्वालिटी के नोट्स थे। इतना ज़्यादा कंपेयर करें तो एडिशन 8 यू नो मच बेटर। रिवीजन नोट्स यार, जब जब मेरे पास 3 महीने बच रहे थे पढ़ने के लिए, तो फिर मुझे रिवीजन नोट्स से ही आके पढ़ना पड़ा था। तो इट्स दैट्स यू नो दैट थिंग। ओके, अब यहाँ पे निकालते हैं एक एक करके। सबसे पहले मेडिसिन को निकालते हैं। भाई साहब, ओ माई गॉड, मेडिसिन वॉल्यूम 1, मेडिसिन वॉल्यूम 2, मेडिसिन वॉल्यूम 3, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। यू नो दीज दिस इज़ मेडिसिन। एक पेज निकाल के देख लेते हैं। IgM नेफ्रोपैथी, यू नो गुड क्वालिटी ऑफ इमेजेस, गुड क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी आर नोट्स। यू नो टेबल्स दे रखी है बढ़िया। तो ऐसा नहीं है कि पहले मैरो के नोट्स में क्या सेंटेंस बहुत ज़्यादा थे, यहाँ पे अभी आप देखोगे तो एवरी थिंग यू नो गिवन इन अ टेबुलर फॉर्म या फिर फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में दे रखा है, आप खुद देख सकते हो। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू हैव। यू ये देखो, यू नो टेबुलर फॉर्म में दे रखा है इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो मस्त है, तो सही है। मगर हाँ, ये 3 किताबें देख करके मुझे जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है ना, उससे ज़्यादा डर लग रहा है। आई डोंट नो हाउ आई विल एबल टू डू दीज थिंग्स इन यू नो 6 to 7 month। मेरे पास 6 से 7 महीने ही तो हैं एट दी एंड। तो मेडिसिन को तो हटाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। मेडिसिन के रैप रिविजन जो नोट्स है ना, वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मैंने शायद किसी को दे दिए। लेकिन जो रिविजन नोट्स हैं वो दे रखे हैं 200 pages के, और यहाँ पे आप इसको देखोगे ना तो करीबन आपको देखने को मिलेगा कम से कम 1000+ pages हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी देख लेते हैं। रिवीजन नोट्स तो यार 60-70 pages के हैं इसके, लेकिन जब आप इसके नोट्स देखते हो ना, वेरी गुड, वेरी गुड इमेजेस, वेरी वेरी गुड फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में, एवरीथिंग इज़ गुड यार, बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं। सो यही था। मुझे नहीं लगता कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं ना पूरा देख पाऊँगा, मगर हाँ एक बार निकाल लेते हैं सारे सब्जेक्ट्स। यू नो दिस इज़ योर पीडियाट्रिक्स, साइकेट्री, छोटू सा साइकेट्री है, पढ़ने का मन करे तो पढ़ लेना, नहीं तो इतना साइकेट्री तो 2 घंटे का रैप वीडियो देख के ही हो जाती है। यू नो पैथोलॉजी में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। माय गॉड, वेरी गुड, वेरी गुड यार, ब्यूटीफुल इमेजेस, एनिमेशन बहुत ही प्यारा है, सारी चीज़ें दे रखी है इसमें, सेल वगैरह ये सब, वेरी गुड यार। और इसके पेजेस को बहुत ज़्यादा दे रखे हैं यार, इसके पेजेस बहुत ज़्यादा हैं, एवरी थिंग यू नो पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू। एंड लुक एट दिस, अराउंड यू नो 450 पन्ने के नोट्स हैं भाई। तो इफ़ आई हैव टू कंप्लीट दिस पैथोलॉजी इन 5 days, आई हैव टू रीड 70+ pages, 60 मतलब 70+ pages मुझे रीड करने पड़ेंगे। सो वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। उसके साथ में मुझे 100 क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे ना। तो दिस इज़ माइक्रोबायोलॉजी, अगेन वेरी गुड। मतलब यार जो इन्होंने अट्रैक्शन क्रिएट किया है ना, मतलब नोट्स को बना करके, तो पढ़ने का मन करता है। सो वेरी गुड यार। ओके, सो दिस इज़ माइक्रोबायोलॉजी एंड लुक एट दिस, एवरीथिंग इज़ गुड यार, गुड 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 गुड। आगे बढ़ते हैं। अब यार इतने सारे नोट्स को मैं ना आपको एक एक नहीं दिखा सकता हूँ, बट हाँ ये मैं बता सकता हूँ, ये 10 रुपए के ये स्टिकर्स, स्टिकी नोट्स आपको मैरो के साथ मिलेंगे, और ये 2 हाइलाइटर्स भी मिलेंगे। अरे तो मैरो की टेक्निक है, आप मतलब प्रोडक्ट को भेजना। सर्जरी यार, सर्जरी इट्स क्वाइट हैवी, सर्जरी एंड ऑप्शन का ही नहीं, वेरी हैवी यार। लुक एट दिस वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, 2 वॉल्यूम्स में सर्जरी दी हुई है। ईजी टू रीड नोट्स है, मतलब खुद से पढ़ सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वीडियोस देखनी पड़े, खुद से पढ़ सकते हो आप। सो दैट्स इट, सर्जरी भी ठीक लगी। लास्ट है ना, ऑप्शन का ही नहीं, देख लेते हैं फिर इस वीडियो को बंद करते हैं। दिस वाह, ब्यूटिफुल ऑप्शन गाइनी ना, मुझे वैसे भी पसंद नहीं है यार, इसको जबरदस्ती मेरे को पढ़ना पड़ता है, मगर क्या करें,
जो है वो है भाई, रीड तो करना पड़ेगा अगर नीट पीछे में पास होना है तो, सारे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ओके बात करते हैं, अब सुनो प्लान क्या है, व्हाट इज़ माय प्लान एंड हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर नीट पीजी एग्ज़ाम। प्लान ये है कि देखो इतना सब कुछ रीड करना मेरे बस की नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूँ, रियलिटी बताने वाला इंसान हूँ। मेरा प्लान ये है कि दिसंबर तक जितने सब्जेक्ट मेन नोट्स से मैं रीड कर सकता हूँ उतने करूँगा, हो सकता है वो 7 सब्जेक्ट हो जाए, 10 सब्जेक्ट हो जाए, 12 सब्जेक्ट हो जाए, इट्स ओके। दिसंबर तक जितने हो रहे हैं ना मेन नोट से, एक क्योंकि मेन नोट से करना मतलब है ना अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाना पास होने की, तो इसी वजह से मैंने मेन नोट्स खरीदे हैं, 7-8 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट को मैं मेन नोट से पढ़ूंगा। नवंबर में INICT है उसकी तैयारी भी हो जाएगी थोड़ा बहुत, उसके लिए भी थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो जाऊंगा, नहीं तो वापस से अगला INI में स्ट्रांग रहूंगा और नीट पीजी में भी मेरे चांसेस है स्ट्रांग रहने के। दूसरी चीज, जैसे ही दिसंबर खत्म हुआ मैं शिफ्ट हो जाऊंगा रिवीजन नोट्स पे बचे हुए सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि मुझे मेरा कोर्स भी खत्म करना है टाइमली, मतलब यहाँ पे पूरा खेल दिमाग का है। अगर कंपटीशन को बीट करना है तो मुझे लगता है कि सब्जेक्ट्स को इस तरीके से मुझे पढ़ना पड़ेगा कि मैं पीछे ना रह जाऊँ। रोज के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, रोज के 50-80 पेजेस मेरे को रीड करने पड़ेंगे, और क्योंकि मैं मेन नोट से पढ़ रहा हूँ तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो मेरे को नहीं समझ में आएंगे, तो उसकी मेरे को थोड़ी बहुत वीडियो देखनी पड़ेगी। प्लान बहुत सिंपल है, 7 से 8 महीने लगातार मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर मुझे पास होना है तो, एंड आई एम रेडी टू स्टडी। थैंक यू।